नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव निर्णय अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों को वर्णमाला जो टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला जो नामक टॉपिक है, उसके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोग एकदम बेसिक से आप इसको पढ़ेंगे। जैसे आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला का आप नाम ने सुना होगा, उसी बारे में हम जिक्र करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे आपको पता है लैंग्वेज जो हम है जो पढ़ते हैं, एक हिंदी पढ़ते हैं, एक अंग्रेजी, तो जो हमारा रीजनिंग है इसमें क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला की चर्चा करता है। किसका चर्चा करता है? अंग्रेजी वर्णमाला की चर्चा करता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या होती कितनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आप पढ़े थे बचपन में, जो पढ़े थे बचपन में, क्या पढ़े थे, कितने अक्षर थे दोस्तों? 26 अक्षर थे। कितने थे? वही जो 26 अक्षर थे उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और हम आपको बता दे, ये 26 अक्षर जो है इनको अंग्रेजी वर्णमाला में दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है जिसको कहते हैं वाबेल, क्या कहते हैं? वाबेल कहते हैं। और दूसरा क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। यानी एक हुआ वाबेल और दूसरा हुआ कॉन्सोनेंट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, पहला हुआ वाबेल और दूसरा हुआ कॉन्सोनेंट। वाबेल मींस हो गया स्वर और कॉन्सोनेंट मींस क्या हो गया? व्यंजन। तो आप समझ गए होंगे कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, वाबेल और कॉन्सोनेंट। अच्छा, वाबेल की बात करते हैं। अगर वाबेल का नाम ले लिए तो वाबेल में कुल कितने अक्षर रखे गए हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वाबेल में 5 अक्षर रखे गए। कितने? 5, जिसका नाम क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 हैं इनको हम वाबेल कहते हैं। और जो शेष बाकी बचते हैं 21, कितना बचते हैं? 21, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी 5 वाबेल हुए और 21 क्या हुए? कॉन्सोनेंट हुए। और यही क्या करता है, 5 वाबेल और 21 जो कॉन्सोनेंट हैं, आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उस कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका यूज इसी से कभी कभी कोड करने में कर देता है, कभी वाबेल को लेकर कर देता है, कभी कॉन्सोनेंट को लेकर के कर देता है। तो इसके बारे में हमको जानकारी रखना पड़ेगा। और आपको जो 26 अक्षर जो हम पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, बचपन में जो हम हवा हवाई में पढ़ के छोड़ दिए थे, आज उसी को विस्तृत अध्ययन हमको करना है। तो दोस्तों, ये दो भागों में बांटा गया, वाबेल और कॉन्सोनेंट। वाबेल की संख्या हुई 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। और आइए अब जानकारी लेते हैं कि सभी अक्षर हैं कौन कौन से, वो 26ों, और उनके बारे में हमको जानकारी रखना है। तो आइए हम आपको उस 26ों अक्षर का दर्शन कराते हैं और वहां से आपको हम उनके बारे में जानकारी देंगे। और उन्हीं के बारे में जानकारी रख करके हमको आगे वाले चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आप सभी को पूरी भूमिका इन सबका रहेगा और इन्हीं का यूज करके आपसे क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों, आइए जो हम वर्णमाला जितने हैं उसके बारे में हम सब जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एकदम पेन कॉपी लेकर के उसको नोट करते हुए चलिएगा। जैसे देखिए, मैं लिख रहा हूं जो पूरे 26 अक्षर आते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा ए से लेकर के जेड तक। कहां तक? ए से लेकर के जेड तक, यानी ए टू जेड। और इसी ए टू जेड यानी ए से लेकर के जेड तक ये जो 26 अक्षर आते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनको एक बार देख लेते हैं क्या है, कितने कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला ए, दूसरा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई और जेड। यही तो हुए, क्या हुए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही क्या होता है, यही 26 अक्षर हमारे हैं। और इन 26ों अक्षर के बारे में हमको जानकारी रखना पड़ता है। और आपको हम बता दें कि ये जो 26 अक्षर लिखे गए हैं, इन्हीं के बारे में क्या जानकारी रखना पड़ता है। जैसे हमने अगर पढ़ना भी शुरू करते हैं, किसी भी व्यक्ति से आप कह दीजिए कि भैया एक काम करिए, थोड़ा ए बी सी डी हमको सुना दो। क्या सुना दो? ए बी सी डी सुना दो। भैया ए से वो पढ़ना शुरू करता है और कहां तक चला जाता है? जेड तक जाता है कि नहीं जाता है? यानी
ये से रीड करना शुरू किया और कहां तक चला गया, जड़ तक चला गया, और किसी दूसरे व्यक्ति से वहीं कह दीजिए कि बाबू एक काम करो थोड़ा हमको अंग्रेजी वर्णमाला सुना दो, तो भी वो क्या करता है अगर उसको जानकारी है तो तुरंत वो क्या करता है ए से रीड करना शुरू करता है और कहां तक पहुंच जाता है, जेड तक पहुंच जाता है। यानी आपने दो चीज बोला, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला को सुना दो और एक आपने कहा एबीसीडी सुना दो। तो देखो जैसे ही दो चीजें आप लोगों ने बोला और पढ़ना वो कहां से शुरू कर दिया, ए से शुरू कर दिया और गया कहां तक भैया, जेड तक गया। अब देख लो दोनों चीज यानी ये सत्य हो गया है कि जो हमारी स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है भैया, ए है, और पढ़ना शुरू किया तो कहां तक चला गया, जेड तक चला गया। आइए उसी के बारे में, यही जो नियम यानी क्रम एक के बाद जो दूसरा अच्छा आता है ये निश्चित है और इसी को हम पोजीशन कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं, यानी कौन सा अक्षर किस पोजीशन पे आता है, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी रखना पड़ेगा और आपको दिमाग में मस्तिष्क में रखना पड़ेगा कैसे इसका हम यूज करेंगे। तो आइए उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे हम क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट का ज्ञान आपको करा देते हैं, क्या करा देते हैं, लेफ्ट और राइट का ज्ञान करा देते हैं दोस्तों। तो ज्ञान क्या कराना है, देखिए जो पृथ्वी है इसमें सबसे जो बुद्धिमान मानव माना, जो बुद्धिमान प्राणी माना गया है उसको किसको, मानव को माना गया है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है, और यही बुद्धिमान प्राणी है इसको क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट का निर्धारण है ये खुद किया है, बाकी क्या करता है अपने अनुसार हर चीज का लेफ्ट और राइट का निर्धारण ये खुद करता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इन अक्षरों का लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षर का लेफ्ट और राइट जानने के लिए, किसी चीज का भी लेफ्ट और राइट ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं कि जैसे जो हम मान लीजिए हम रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, तो हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा बाएं से चलो, कहां से चलो, बाएं से चलो। अब किसके बाएं से चलो, रोड के बाएं से चलो कि अपने बाएं से चलो, तो हम क्या करते हैं, रोड का क्या दायां बायां होता है, नहीं होता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपना जो लेफ्ट होता है उसी को हम लेफ्ट मान, उसका लेफ्ट मान लेते हैं, जो हमारा राइट होता है उसका राइट मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं रोड पे अपने से, फिर लौटते समय देखते होंगे कि इस पटरी से आते हैं, और जब दोनों तरफ जाते समय दूसरी पटरी से गए और आते समय दूसरी पटरी पे आए, तो क्या हो गया, अपने अनुसार उसका लेफ्ट का हम निर्धारण कर लिए। उसी तरह आगे इन अक्षरों का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे हम सामने की तरफ देख रहे हैं, जैसे मान लो देखिए हम ही क्या है, सामने की तरफ देख रहे हैं, तो ये अक्षर भी क्या है, हमारे सामने खड़े हैं और हमारी तरह सामने की तरफ ये भी देख रहे हैं। जब आप एज्यूम कर लोगे कि हमारी तरह ये भी सामने की तरफ दिख रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है, जैसे हमारा ये राइट है तो इनका ये क्या होगा, सभी का इधर राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होता है इन सभी का क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा राइट होगा इन अक्षरों का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा इन अक्षरों को क्या होगा, बाबू लेफ्ट होगा। यानी हमने क्या सीखा, लेफ्ट और राइट का निर्धारण। जैसे मान लीजिए यही होता, यही पे क्या है, कोई अच्छा है जिसको क्या कहते हैं, ओ कह दे, तो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आई का ही बात करते हैं, आई का लेफ्ट और राइट निकालना है, मान लीजिए ये अक्षर लेफ्ट और राइट की हम बात करते हैं, यही अक्षर है आई का, है आई है, और इसका लेफ्ट और राइट का निर्धारण करते हैं, तो देखिए आई है कि नहीं है, और आई को हम लेफ्ट और राइट का निर्धारण करते समय तुरंत क्या करते हैं कि हमारी तरह एज्यूम करते हैं कि ये भी सामने की तरफ देख रहा है, देखो अगर सामने की तरफ ये देख रहा है तो हमारा राइट ये हुआ कि नहीं, अगर हमारा राइट ये हुआ तो इसका भी राइट होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, हमारा लेफ्ट ये है कि नहीं, अगर हमारा लेफ्ट ये है तो इसका भी लेफ्ट होगा, यानी आई का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, इसी तरह हर अक्षर का लेफ्ट इधर होगा और राइट किधर होगा, इधर होगा दोस्तों। तो हम क्या सीखे, अक्षरों के लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना सीखे कि नहीं सीखे, पहली चीज ये हो गई अक्षर का लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना।
तो आप वो कैसे निर्धारण करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि जिस तरफ हम देख रहे हैं उसी तरफ सारे अक्षर भी देख रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट होगा उन अक्षरों का लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा उन अक्षरों का राइट होगा। तो हमको आपको जानकारी मिल गई अक्षरों के लेफ्ट और राइट का निर्धारण। तो आइए, अगर लेफ्ट और राइट का निर्धारण हो गया मित्रों, तो उसके बाद और बात करते हैं कि और जानकारी हमको क्या रखना है। दूसरी चीज बात करनी है भैया कि आपकी पोजिशन, इसकी बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे। और पोजीशन बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी व्यक्ति का पोजीशन अगर है, देखो टाटा बिरला अंबानी है कि नहीं, पोजीशन का देखो हाई है और किसी का लो होता है, यानी क्रमबद्धता क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप ही का परीक्षा हुआ, पेपर हुआ, आपने हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क लेके आए, तो कहीं ना कहीं आपको क्लास में पहला स्थान होता है। उससे अगर एक नंबर कोई कम ला दे तो उसको दूसरे स्थान पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो यानी जिसका सबसे शीर्ष नंबर प्राप्त हुआ उसको पहले पोजीशन पे रखे, और जिसका थोड़ा सा कम हुआ तो उसको दूसरे, उससे कम जो उसका तीसरा, उससे कम जो उसको चौथा, ऐसे श्रेणी में बांटते हैं कि नहीं? वही अंग्रेजी वर्णमाला में हम करते हैं। जहां से हम रीड करना शुरू करते हैं, अभी हमने बताया कि नहीं कि जिससे भी कहोगे अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ो तो तुरंत पढ़ना शुरू करता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक। लेकिन अगर किसी बच्चे से कह दो कि ए बी सी डी सुना दो तो भी रीड करना वहीं शुरू करता है, यानी वर्णमाला कहने पर भी पढ़ा और ए बी सी डी भी कहने पे पढ़ा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, ए से हुआ, यानी पहला अक्षर कौन सा आया, ए आया। तो इसका स्थान क्या होगा, पोजिशन क्या होगा, पहला होगा, ये दूसरे पे आया, इसका दूसरा, इसका तीसरा, डी चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ये चौबीस पच्चीस ये छब्बीस, यानी छब्बीस अक्षर हो गए। क्या छब्बीसों अक्षर को हम अपने रटेंगे क्या? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग किताब उठाते होंगे तो पा जाते होंगे इजोटी, क्या पा जाते होंगे, इजोटी पा जाते हैं। और इजोटी जब आप लोग देखते हैं तो तुरंत समझ में कुछ देर नहीं आता, लेकिन जब थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इजोटी तो वहां से हमको मिला, इस पे हम क्या किए थे, पांच का टेबल चला दिए थे। टेबल का मतलब क्या किए, पांच का पहाड़ा शुरू किए, पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच चौबीस और पंचम पच्चीस, और सभी को निकाल लिए। ए यहां से ई निकला, जे निकला, ओ निकला, टी निकला और वाई निकला, इजोटी हो गया। लेकिन ये बताइए कि क्या ये इजोटी आप पे फैक्ट बैठता है? लाइन से क्रमबद्ध से अगर आप बच्चे बैठे हों और पहला व्यक्ति अपना नाम मोहन बता दे, दूसरा राकेश, ऐसे तीसरा चौथा बताते चले, और पांचवें व्यक्ति से पूछा जाए कि जरा पहले वाले का नाम बताओ, तो क्या आसानी से बता लेगा? नहीं बता पाता। अगर उससे एक स्थान पहले पूछ लो वो तुरंत बता देता है कि चौथे स्थान पर कौन बैठा है, लेकिन पहले स्थान पर बताने के लिए कठिनाई होती है कि नहीं होती है। तो आइए हम इस इजोटी को छोड़ते हैं, अब इजोटी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, और हम पांच का टेबल नहीं चला करके अब हम टेबल चलाएंगे तीन का। किसका चलाएंगे, तीन का टेबल चलाएंगे। तो आइए देखिए तीन का हुआ कि नहीं, तीन तीन दूनी छ, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह, तीन पच्चे पंद्रह, तीन छक अठारह, तीन सत्ते इक्कीस और तीन वट चौबीस। इसको क्या करते हैं चलाने के बाद सभी अक्षरों को बाहर, दोस्तों देखो अगर ये भी नहीं आ रहा है तो अभी मैं चुटकी भर में याद कराऊंगा और कहानी से इसको भी आप भूल जाइएगा। लेकिन पहले क्या करिए, आप इसको भी एक फोकस करिए, उसके बाद में अभी जो यूजुअल आपका यूज करते हैं प्रयोग के आधार पर मैं आपको सिखा दूंगा बस। लेकिन इसको देखिए पहले, तो हम क्या करें, सबको निकाल लिए, सी निकाले, एफ निकाले, आई निकाले, एल निकाले, ओ निकाले, आर निकाले, यू निकाले और क्या निकालिए, एक्स निकाले। निकल गया कि नहीं, आप जरा याद करिएगा इसको पढ़ने से पहले, हिंदी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, वहां संधि किए थे कि नहीं किए थे, किए थे, वहां आ साइलेंट होता है कि नहीं होता है, होता है, एकदम होता है, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे क्या है, यहां पे अगर इसको दो भाग में हम मिला दें और दो भागों में तोड़ दें, देखो यहां क्या है, सी एफ आई लिख दें और इधर क्या लिख दें, एल ओ आर एक्स लिखते, और हमने क्या कहा, थोड़ा अच्छा नाम ढूंढो, भले वो गलत लिखो लेकिन पढ़ो सही, लिखा है गलत स्पेलिंग लेकिन पढ़ना आपको सही, और जब लिखना पड़ेगा तो ही गलत स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। जैसे ए कहीं कहीं साइलेंट होता है, ए से आ हुआ, साइलेंट होता है नहीं, यहां होगा, यहां हम बीच में क्या करते हैं, साइलेंट कर देंगे, और इसको हम पढ़ेंगे कैफी,
क्या पढ़ेंगे? कैफी। कैफी की स्पेलिंग गलत लिखेंगे, सी एफ आई नहीं लिखेंगे, सी एफ आई लिखेंगे, कैफी पढ़ेंगे। और इसको पढ़ेंगे लो रक्स। क्या पढ़ेंगे? लो रक्स, और हो जाएगा कैफी लो रक्स। इसको गलत पढ़िए, लिखा है गलत, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? कैफी लो रक्स। सी और कैफी का स्पेलिंग लिखेंगे सी एफ आई और एल ओ आर यू एक्स, हो जाएगा कैफी लो रक्स। क्या? लो रक्स, कैफी लो रक्स। यानी इससे भी आपको इतना अगर बैठ गया स्पेलिंग याद है, तुरंत बाबू तीन का टेबल चला देना, आओ सिखाता हूं कैसे यूज करना। तीन का चलाए, तीन तीन छह, तीन इक्का नौ, तीन चौक बारह, तीन पच्चीस पंद्रह, तीन छक अठारह, तीन सत इक्कीस, तीन वट चौबीस। चला दिए कि नहीं चला दिए? एकदम चला दिए। अगर आपको इतना भी पता है, अगर आपको इतना भी पता है तो आप आसानी से कवर कर सकते हो कि नहीं? जैसे मैं आप प्रयोग करके दिखाता हूं, यहां क्या है? कैफी में आई है कि नहीं है? आई को आपको पता है कि नहीं? आई का मान नौ है। अगर आई का मान नौ है, अगर बाबू आठ से आपको पूछा जाए आठ पे किसका मान होगा, तो देखो आई के का मान नौ है और नौ से एक कम करोगे, वन माइनस करोगे, बताओ क्या आ जाएगा? आठ आपको प्राप्त होगा कि नहीं? और आई के पहले क्या आता है? तुरंत एक, देखो माइनस यहां करके अगर जा रहे हो तो आठ है और आई के पहले क्या है? एच है। अगर इसमें दस का पूछा जाए, आई का आपको पता है, आई का मान नौ है और नौ में एक जोड़ोगे दस हो जाएगा और आई के बाद एक स्थान आ जाओगे, क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। अगर यही यल का आपको पता है, एस एक स्थान आओगे तो कम पीछे आओगे तो ग्यारह मिल जाएगा और यल के पहले कहा आसानी से बता दोगे और इसके बाद जाओगे का स्थान छोड़ करके तो देखो यम का बता दोगे। अब देखो एक स्थान आगे आए और एक स्थान बाद गए, तो आगे आगे पीछे हुए तो देखो पूरी गैपिंग भर गई कि नहीं? यानी एक स्थान आगे जाना और एक स्थान पीछे आना आसान है, चार स्थान आगे जाना और चार स्थान पीछे आने से। तो दोस्तों आप इसी को पढ़िएगा, गलत स्पेलिंग है लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? कैफी। इसको पढ़िएगा, इसको लोरक्स मिला देना तो कैफी लो रक्स, लेकिन कैफी लोरक्स स्पेलिंग यही लिखिएगा सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स और कहिएगा कैफी लो रक्स। और आसानी से इन सभी के जो मान होता है, जो पोजीशन होता है, उसको आसानी से आप बता देंगे। तो ठीक है, इतना अगर पढ़ लिए हैं तो आइए, अगर मान लीजिए ये आपसे मिस हो गया तो क्या करेंगे? मिस हो गया तो क्या करेंगे? परीक्षा हाल में बैठे हैं और मान प्राप्त नहीं हो रहा है कि यश का मान क्या होगा, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप अंगुली पे गिनेंगे, टाइम टेकन होगा। आइए, भूल जाने के बाद हम कैसे जानकारी लेंगे उसको भी आपको सिखाते हैं। चलिए शुरू से, स्टार्टिंग पॉइंट से हम चलते हैं एक तरफ से। आपको क्या है? एबीसीडी याद है? ए बी सी डी तो सबको मान याद है कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ई का पांचवा, इतना तो सबको याद हो। मान लीजिए इतना सबको याद है तो ये क्या आया है? एफ। क्या लिखा गया है बाबू? एफ। अच्छा, मैच देखते होंगे, सबसे लंबा रन क्या होगा? सिक्स। छक्का लग गया तो खुशी के मारे झूम गए। और एफ, एफ से मैच में देखो कभी कभी पहले फिक्स होता था कि फिक्सिंग होती थी मैच की कि नहीं होती थी, और फिक्स क्या होता था? सिक्स होता था। यानी एफ से क्या बना? एफ फार फिक्स हुआ और फिक्स मैच में क्या हुआ बाबू? सिक्स। देखो एफ से क्या बना? एफ फार फिक्स, फिक्स मैच में क्या हुआ? सिक्स। तो एफ का मान क्या है? कोई दिक्कत? आसानी से याद आएगा एफ फार फिक्स, फिक्स क्या हुआ था? सिक्स। तो आइए और हम दिखाते हैं इसे हुआ क्या लिखा है ये भैया, एक क्या लिखा है? जी। जी का मान यादें नहीं आ रहा है, तुरंत क्या करना? ऊपर से ऐसे मिटा दो और इसके बाद यही छोड़ दो। क्या हो गया? सेवन। तो जी का मान क्या हो गया? सेवन। देखो आराम से देखते रहना, ऐसे अभी मैं आपको इतना भी याद हो जाएगा ध्यान में तो आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। जी का भी हो गया। आगे थोड़ा चलते हैं, क्या लिखा गया है? एच। अगर एच ऐसे लिखा जाता है और एच ऐसे लिखा जाए, ऊपर मिला दो नीचे मिला दो, तो गिनती का कौन सा सिंबल दिखने लगा है? एट दिखता है कि नहीं? तो एच का मान क्या हो गया बाबू? एट हो गया। देखो कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग लगाना रटना नहीं है। तो एच का मान क्या हो गया बाबू? एट हो गया। अच्छा ये क्या लिखा गया जरा आप बताइए, अंग्रेजी का क्या लिखा गया है?
आई लिखा गया है ना, अच्छा अंग्रेजी का आई अगर ऐसे लिखते हो, गिनती का कुछ मिलता जुलता ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो आई है और इससे मिलता जुलता नौ बनता है कि नहीं बनता है? तो आई का मान नौ होगा कि नहीं? देख लो आई के मान के ऊपर हम लिखे हैं कि नौ की नहीं लिखे। बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो बताना, क्या लिखे हो? थोड़ा के एक छोड़ो, क्या लिखे हो? के लड़के बहुत बदमाश होते हैं, इतना बदमाशी करते हैं कि जब तक मम्मी डंडा उठा के पिटाई नहीं कर देती, और पिटाई कर देती है जैसे ही पीठ कटता है, जैसे इसकी पिटाई अगर बहुत बदमाश है, इसकी पिटाई कर दोगे और पिटाई करने के बाद तुरंत इसका पीठ जो होता है वो कट जाता है। और लड़के का पीठ अगर कट जाए बाबू तो सुधर जाता है कि नहीं? और सुधरने का मतलब सीधा हो जाता है, और सीधा जैसे होगा पीठ कटा तो देखो आगे वाला यही दो बचा के नहीं, और सीधा हुआ तो इसे हुआ कि नहीं? तो क्या हो गया के का? 11 की आकृति दिख रही है ना कि 11 के सिंह, तो के का मान क्या हो गया? 11 हो गया। थोड़ा बाबू और आगे जाते हैं, क्या लिखा उसके बाद? एम लिखा है, और यम तो आपको पता है कि इसका मान 10 से बड़ा होता और 20 से कम। अगर यम ऐसा लिखा है, इसको पलट के ऐसे कर दोगे तो बताइए ये 3 का आकृति दिखा कि नहीं? और आपको पता है कि यम का मान 10 से आगे है और 20 से नीचे, और 10 से आगे है और 20 से नीचे है, तो बताओ उसके मान में यहां पलटने के बाद 3 दिखा कि नहीं? अगर 3 दिख गया तो 3 दोनों के बीच में 13 हमें आता है कि नहीं आता? और 13 हमें आता है दोस्तों, तो यम का मान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचो विचार करो, और ऐसा आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग रटने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बार इसको गहन से देखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। तो यम का मान क्या हुआ भैया? 13 हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे में जैसे बढ़े तो देखो बीच में एक और छूट गया था, एल छूटा था कि नहीं छूटा था? एल छोड़ दिए, देखो यल लिख देते हैं आपको, यल आपको लिख देते हैं, और यल फार लंच होता है कि नहीं? यल फार लंच होता है तो याद करो उस बचपन के समय को जब टिफिन लेके हम जाते थे, टिफिन लेके जाते थे कि नहीं जाते थे, और लंच का वेट करते थे कि नहीं? एल फार लंच हुआ, लंच विद्यालय में कितने बजे होता था? 12 बजे होता था कि नहीं भैया? अगर यल फार लंच, लंच हुआ 12 बजे, तो यल का मान क्या हो गया? 12। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, यल फार लंच, लंच स्कूल में कितने बजे? 12 बजे, तो यल का मान क्या हो गया बाबू? 12 हो गया। मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि अरे ये तो अब तो हम ही जो यूज करते हैं वही चीज पढ़ा जा रहा है, आप लोग आसानी से सिर्फ उसी को क्या है देखना है एक तरफ से। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है? ओ लिखा गया है कि नहीं? अच्छा भैया ओ लिखा गया है तो जरा आप ये देखो हमने क्या लिख दिया, यहां लिख देते हैं ओ लिखा है ओ। अच्छा एक कहानी और आपको सुना देते हैं, आप मेला देखने जाते थे कि नहीं? जब उस समय हम लोग मेला देखने जाते थे तो घर में अगर 30 रुपया मांग लेते थे तो उस समय बड़ी अमाउंट होती थी कि नहीं? और जैसे पिताजी से 30 रुपया मांगे तब तक मम्मी ने कहा अरे नहीं बहुत बड़ी रुपया है, अमाउंट है, तो हमको मिलता था आधे, कितना मिलता था? आधा। जैसे 30 रुपया मांगे मिला भैया हमको आधा, आधा मिला तो कितना रुपया मिला? 15 रुपया। और 15 रुपया जैसे ही मिला तुरंत हमारा दिल टूट गया कि नहीं टूट गया? मांगे थे 30, मिला हमको 15, आधा दिल टूटा कि नहीं? और जैसे आधा दिल टूटा तो तुरंत क्या हुआ? खुशी गायब। तो खुशी 30 रुपए में थी, आगे से खुशी गायब, तो पीछे बचा क्या? 0। ये ओ का आकार है कि नहीं? इसीलिए ओ का मान क्या है? 15। कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा ओ के बाद और जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे ओ के बाद देखो पी आया है कि नहीं? और पी का वैल्यू अगर कोई बाबू तुमसे पूछ ले, कोई नहीं। देखो पी फार पूजा होता है, पूजा क्या भैया? पूजा। पी फार पूजा, अब पूजा कौन करता है सबसे ज्यादा? याद है लड़के की लड़कियां, ध्यान देना लड़कियों की तरफ इशारा जा रहा है। पी फार पूजा, पूजा सबसे ज्यादा कौन करता है? तो पूजा सबसे ज्यादा लड़कियां करती हैं। कितने सोमवार? 16 सोमवार। तो पी का मान बाबू क्या हो जाएगा? 16। यानी पी फार पूजा, पूजा कौन किया? लड़कियां की। कितने सोमवार? 16 सोमवार। तो पी का मान बाबू क्या हो गया? 16 हो गया। कोई दिक्कत? देखो रटने की बात नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ और मजा लेते हुए पढ़ते चलो। पढ़ाई जो है लोड लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में पढ़ाई लोड लेने की चीज नहीं है, मजा करते हुए पढ़ो। तो आइए, तो आपको इतना कहां पड़े? पी, पी फार पूजा, पूजा कौन लड़कियां, कितने सोमवार? 16 सोमवार।
थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो यहां क्या लिखा है, टी, क्या लिखा है, टी, और टी फार होता है 20, टी फार क्या होता है 20, और 20 मतलब होता है 20, तो टी का मान क्या हो जाएगा बाबू 20, यानी टी फार 20, 20 मतलब 20, तो टी का मान 20, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो यहां क्या लिखा है, एक्स लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है भैया, एक्स लिखा है कि नहीं, अगर एक्स लिखा है तो एक्स देखो कितनी रेखाओं से मिलकर बना है, एक रेखा दो रेखा, कितनी रेखाओं से, दो रेखाओं से, जब दोनों रेखा से मिलकर बना तो ये आपस में कट गई, कटने के बाद कितने भागों में बट गई, देखो एक दो तीन चार, यही लिख दो चार, तो एक्स दो रेखाओं से बनी और कटे हुई चार, तो मिलकर दो और चार बगल में लिख दी हो गया 24, तो यक्ष का मान क्या हो गया बाबू 24। तो अगर इतना भी आपको याद है, इतना आपको भी पता है, तो आप आसानी से अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के पोजीशन के बारे में आप बता सकते हैं। कभी भी आपसे अगर कोई पूछा कि बाबू ओ का मान क्या है, तो आप तुरंत सोचने लगेंगे कि अरे भैया हमको तो बताया गया था कि मेला देखने के लिए पैसा 15 रुपया मिला था और ओ का मान उसी में बचा था, तो का मान 15 हो गया। कोई जी का मान आपसे पूछा, तुरंत कहे अरे भैया ये तो जी तो ऊपर से मिटाते थे, नीचवा छोड़ते थे, और जैसे बचता था कि अरे तो सिवन बचा, 7 हो गया। अच्छा यच का पूछा, अच्छा ऊपर नीचे मिला देते हैं, मिलाने के बाद पता लगा देखो भैया 8 दिख गया। जैसे यहां यफ का है, तुरंत याद आया अरे सर जी बताए थे यफ फार फिक्स होता है, फिक्स किसको करते हैं, 6 को करते हैं, तो यही हुआ ना। आपको जैसे कोई किया पी पी फार पूजा, अच्छा कौन करती है लड़कियां, कितने सोमवार, अच्छा 16 सोमवार बताए थे, खजुआ खजुआ के इसे करोगे तो याद आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा जैसे के का आएगा, कहेगा भैया के का वैल्यू बताओ, तुरंत आपको आ गया के बड़ा बदमाश था, दिए गोरा निकला था, मार के पी मम्मी तोड़ दी, बचा पैर और पैर को सीधा कर दी, हो गया के का मान क्या होगा, पलट के लिखे सीधा हो गया 11, और आपको मान के कहो 11। कोई सोचने की जरूरत है क्या, कभी नहीं। अच्छा यम का पहुंचते हुए कोई बोल दिया, अरे यम का आपसे बोल दिया तो आपको क्या करना है, आपको पता है 10 से ऊपर 20 के नीचे, अब इधर कर दिया 3 दिख गया, और दोनों के बीच में 3 एक जगह आता है 13 में, और आपसे सीधे कहोगे 3 से 13 मत करो, हमसे 3 13 मत करो, यानी 3 दिखा 3 से 13 बना, तो यम का मान क्या हो गया 13, 3 से 13 ना करो हमसे। आगे हुआ यल, यल फार लंच, छुट्टी तुरंत आएगा, दोपहरिया में हम टिफिन लेके बैठते थे, लंच कितने बजे 12 बजे, तो यल का मान क्या हो गया बाबू 12 हो गया। तो यानी हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, पहले तो अक्षरों की आपको सिखा दिया, लेफ्ट राइट का निर्धारण, अक्षरों के लेफ्ट राइट का निर्धारण सिखा दिया। दूसरा सिखा दिया पोजीशन, क्या सिखा दिया, पोजीशन आपको सिखा दिया। तो ये क्या हो गए, आपको दो चीजें सीखे, और इन चीजों को आप जो सीखे हैं इसको ध्यान में बैठाइए और चलते हैं और आगे। देखिए ये जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में पूरे हम वर्णमाला के बारे में अंग्रेजी पूरा हम आप डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद इसको डिवाइड कितने भागों में किया गया उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, और पूरा रोमांस एकदम पूरा भरपूर आपको आनंद दिलाते हुए लेके चलेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आनंदित में पढ़ेंगे। लेकिन फिर अगला जो हमारा लेक्चर चलेगा इसमें तो क्वेश्चन नहीं, अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट में वीडियो सेकंड बनेगा, उसमें तो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको यहां तक ले जाके रखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इतना आपको ज्ञान कराने की बात होगा, लेकिन अभी चलते हैं, पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ भागों में जहां देखिए एकता है, क्या है, जहां एकता है वहीं खंडन भी है, जहां यूनिटी है वहीं खंडित भी किया जाता है। और आपको बताऊं कि ये अगर 26 के समूह को है तो 26 के समूह को आप क्या करेंगे, एक बार पूरा ना कहीं ये इनका भी अलगाव होगा और तोड़ करके इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो दूसरी बात करते हैं इनके, जिसको नाम हम अर्धांश कहते हैं, इसको बांटा जाता है, इसको अर्धांश कहते हैं, क्या कहते हैं भैया अर्धांश। अर्धांश को अगर तोड़ोगे, अर्ध मतलब आधा और अंश मतलब भाग,
यानी आधे भाग को ही अगर आधे दो भागों में तोड़ दो तो उसको अर्धांश कहते हैं। पहले को अगर जो आगे पड़ जाएगा उसी को कहते हैं प्रथम अर्धांश, जो दूसरा। अब अर्धांश क्या होता, आइए कहानी के माध्यम से एकदम ले चलेंगे। इसमें आप लोगों को सीखने की जरूरत है और आप लोग सीखिएगा, इसको जानिएगा कैसे काम इस पे करते हैं। आप कहीं गांव से हुए उसके बारे में सोचिए कि अर्धांश क्या है। अभी मैं आप लोगों की पूरा व्याख्या एक का स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। हंसते हुए, खेलते हुए, मजाक करते हुए आपको मैं स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ये अर्धांश को पिरोने चल रहा हूं और आप ध्यान दीजिएगा और मजे लीजिएगा, मजे लेते हुए पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए ले चलते हैं आपको अर्धांश के बारे में। पहले तो आपको बता दें, अर्ध मतलब आधा, अंश मतलब भाग, यानी आधे भाग को ही अर्धांश कहते हैं। तो ये अर्धांश होता कैसे है, जैसे कहानी पहले मैं आपको सुना दूं, थोड़ा आप लोग, ये जो कहानी है ये हम पे और आप पे नहीं लागू होता, ये कुछ लोगों पे लागू होता है जो 100 में 2% पे, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं कहानी ये बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे, गांव में, शहर में, जहां पर भी आप देखिए, जहां से आप बिलोंग करते हैं, अपने आस पड़ोस जहां से दूर है, हंसने के लिए ये चीज आप देखिए, नोटिस करिए और पढ़िएगा। तो उसमें हम क्या बताएंगे, अगर मान लीजिए हम गांव से हैं, हम भी गांव से हैं, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम गांव में देखते क्या है बाबू, देखते हैं अगर कोई पिता होता है, क्या होता है, पिता होता है बाबू, तो पिता के पास अगर दो लड़के हैं, रेर में आज है छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी से हम बोलते हैं। अगर गांव में एक पिता है जिसके दो बेटे हैं, कितने बेटे बाबू, दो बेटे। पिता कौन है, पिता मान लो राम अजोर है, पिता का नाम क्या है, राम अजोर है, ये पिता है बाबू। इनके दो लड़के हैं, राम अजोर के दो लड़का, एक का नाम खेसारी, राम अजोर के दो लड़का, एक के नाम खेसारी और एक का नाम कल्लू। क्या हुआ भैया, राम अजोर के दो लड़का, एक खेसारी एक कल्लू। भैया थोड़ा समय बीता, खेसारी जी का क्या हुआ, शादी हो गया, कौन आया, शादी कर दिए, क्योंकि घर परिवार में खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, खेसारी जी का शादी कर दिया, तो कौन आया, काजल राघवानी। शादी हुआ खेसारी जी का, तो कौन आया, काजल राघवानी। काजल राघवानी जी आ गए और काजल राघवानी जी क्या की, देखो तो एक दो साल इतना बढ़िया चला भैया, घर परिवार रहा, कल्लू भी इनको भौजी भौजी भाभी भाभी कहता था और ये भी इनको भैया भैया कहती थी, खेसारी इनको छोटा बाबू कहता था, भैया कहता था, छोटा भाई कहता था और कल्लू भी इनको पिता, ये सब पिता मानती थी कि नहीं। थोड़ा समय बीता, 2-4 साल बाबू, उसके बाद क्या हुआ, कल्लू भी बड़े हो गए, रामजोर जी ने कल्लू का भी शादी कर दिया और कल्लू का शादी किया, तो कल्लू का शादी किसे हो गया, नाम कोई लिख देते हैं, कल्लू का शादी हो गया मान लीजिए मीरा से, मीरा नहीं रखते हैं चंपा से हो गया, कल्लू का शादी चंपा से हो गया। अब क्या हुआ, 1-2 साल भैया बहुत बढ़िया फिर चला, अरे छुटकी दी, दी बहन दी बहन कह के दोनों कही और इनसे क्या हुआ, बहुत बढ़िया चला। लेकिन एक समय बीतता है, समय के साथ बदलाव आता है, बदलाव देखते होंगे क्या आता होगा कि घर में कलह शुरू हो जाती है, आवाजें आने शुरू हो जाती हैं। आवाज क्या आती है कि ये काजल राघव, ये दोनों बेचारे अगर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो पता चला काजल राघवानी और चंपा जी में कुछ ना कुछ चल रही है। शाम को आते हुए काम से जैसे सब अपने अपने कमरे में बैठे तो ये काजल राघवानी जी खेसारी को लेकर बैठ गई और चंपा जी कल्लू को लेकर कमरे में बैठ के लो फुसुर फुसुर काम शुरू हो जाता है और ये शिकायत इनकी और ये शिकायत इनकी करती हैं और ये ज्यादा क्या करती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अगर काजल राघवानी खाना बनाती हैं तो चंपा जी पोछा लगाती हैं, घर साफ सफाई करती हैं। अगर ये चंपा जी क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, तो काजल राघवानी जी क्या करती हैं, आपको पोछा लगाती हैं। काम बढ़ गया तब भी नहीं चला, कुछ समय के बाद ऐसा आता है इतनी शिकायतें हो जाती हैं कि अलगाव हो जाता है और ये उब जाता है पिता और दोनों से समझाता है और कहता है कि बेटा मेरे पास जो घर है
उसमें 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। और घर की बात करेंगे तो घर यहां पे अंग्रेजी माला से आप तुलना करिएगा। उसने कहा मेरे पास 26 कमरे हैं, एक काम करो तुम लोग क्या करिए, इसको लेकर के खाओ जियो और दिल्ली का ये नौटंकी नहीं चलेगा। तुरंत क्या हुआ, ये जो 26 कमरे थे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर का नाम आप संज्ञा रखिएगा। इसने क्या किया, जब बटने की बात आई तो तुरंत क्या किया, खेसारी के मन में तुरंत एक विचार आया और उसने कहा कि कल्लू तो मेरा छोटा भाई है। क्या है? कल्लू मेरा छोटा भाई है। इसने क्या किया, कहा कि कल्लू एक काम करो, यहां 26 रूम है, तुम 14 रूम ले लो। कितना ले लो? 14 रूम ले लो, मैं 12 रूम ले लेती हूं। जैसे ही बात काजल राघवानी जी को पता चला, इन्होंने कहा कि अगर तुम कमरा दिए तो हम जान दिए। क्या दिए? अगर आप एक रूम दिए तो हम जान दिए। तुरंत कल्लू कहने लगते होंगे कि नहीं ऐसा है भैया, भाई है, लगाव था। इसने कहा भैया न तो हमको कमरा चाहिए न तो हम किसी को जान देने की जरूरत है, बराबर बराबर ले लेते हैं, खुशी से अपना करते हैं। तो वही 26 रूम जब बराबर बराबर बटा तो कितने में बटा, 13-13 में बटा कि नहीं भैया? और जैसे 13-13 में बटा, और हमने अभी आपको संज्ञा दिया था कि आप जैसे ही रूम की तुलना, घर की तुलना अंग्रेज वर्णमाला से करिएगा 26 अक्षर से। देखिए पार्टीशन पड़ गया, 13-13 रूम मिल गया, आगे बढ़े थे खिसारी, आगे खिसारी को 1 से लेकर 13 रूम दिया गया और कल्लू को 14 से लेकर 26 नंबर तक रूम दे दिया गया। यानी जब दे दिया गया अब देखो कला शांत हो गई। लेकिन क्या आप कभी याद किए हो कि घर में जो मेहमान होता है, अगर पुराना मेहमान है तो गांव में अगर पहुंचते ही कहता है कि बाबू राम अजोर का घर कौन है, तो गांव वाले क्या कहते हैं, ना तो कल्लू के घर को बताते हैं ना तो खेसारी को घर के बताते हैं, और इशारा कर देते भैया वही घर है। वही का मतलब पिता का अधिकार दोनों घर पे होता है, और घर का अधिकार अभी हम अंग्रेजी वर्णमाला से दिए थे और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर थे, 13-13 अक्षरों को जब बट गया, आधा खेसारी आधा कल्लू, यानी जब पट गया, लेकिन जब मेहमान आया तो इंगित किया गया कि वही कम घर है। और जबकि दोनों या 26 अक्षर को बता के 26 रूम को बता करके बताया गया रामाजोर का वही है। लेकिन अगर कोई मेहमान आता और कहता भैया खेसारी का घर, ससुराल से आ जाते मान ले उनके ससुराल से आते भैया खेसारी का घर कौन है, तो बताते ही भैया पहले वाला घर है, और पहले वाले घर को हम क्या कहते हैं, खेसारी पहला था, इसी को फर्स्ट कहते हैं कि नहीं। और कल्लू को कितना मिला था, सेकंड वाला घर आगे से था, इसको सेकंड हुआ। तो कोई भी साहब भैया पहला घर है, और पहला घर में हम इसको बांट अर्धांश का नाम लिए थे, और जैसे ही खेसारी का पहला घर दिखाए उसी को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश कहते हैं। यानी खेसारी और काजल राघवानी जी का जो था वो प्रथम अर्धांश हुआ कि नहीं। और जैसे ही कल्लू के पास गए तुरंत क्या हुआ, वहां चंपा जी थी, चंपा जी किस अर्धांश में चली गई, दूसरे, यानी अर्ध मतलब आधा, अंश मतलब भाग, तो बट के दो में हुआ कि नहीं। और लेकिन जब भी आपको रामाजोर की बात करेगा तो तुरंत आप अंग्रेजी वर्णमाला के 2600 अक्षर की बात करेंगे, लेकिन जब खेसारी की बात करेगा तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले भाग का जो बटा था 1 से लेकर 13 तक उसकी बात करेंगे, लेकिन जब कल्लू की बात करेगा तो हम 14 से लेकर 26 तक की बात करेंगे, क्योंकि छोटा था उस बाद में मिला था। तो यानी आपको जब भी पूरे वर्णमाला की बात करेगा तो आप पूरा लेकर के चलेंगे, जब प्रथम अर्धांश की बात करेगा तो प्रथम अर्धांश में आप ए से लेकर के एम तक बात करेंगे। जैसे आपको अर्धांश दो हो गए, आपको हो गया प्रथम अर्धांश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑर्डर। प्रथम अर्धांश को कहेंगे फर्स्ट हाफ ऑर्डर, और अगर द्वितीय अर्धांश को कहेंगे सेकेंड हाफ ऑर्डर। तो क्या हो गया आपको, प्रथम अर्धांश, और दूसरा क्या होगा, द्वितीय अर्धांश। अब जो है इसी से क्या करता है, प्रथम अर्धांश में आता है ए टू एम, यानी ए से लेकर जब हम यम तक पढ़ते हैं उसी को कहते हैं प्रथम अर्धांश, लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, एन से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं उसी को कहते हैं हम सेकेंड अर्धांश। यानी अर्धांश के बारे में भी आपको चर्चा हो गई, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। चलिए अगर इतना चर्चा हो गया तो थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। आपको पता हो गया हमने 3-4 चीजें बताया, पहला तो आपका लेफ्ट राइट का निर्धारण, दूसरा आपका पोजीशन का, तीसरा आपका अर्धांश का, यानी 3 चीजें बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कितने टाइप का बनता है, क्या है क्वेश्चन कितने टाइप का बनता है। अगर इतना भी आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा, और तुरंत हम जिक्र क्वेश्चन कितने टाइप का बनता है।
दोस्तों आइए देखते हैं, पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यानी टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, ऐसे करके हम क्या करेंगे आपको टाइप दिखाते हैं। तो जैसे अर्धांश हुआ, इसी अर्धांश और अंग्रेजी वर्णमाला पे ही क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनता है, आइए प्रथम अर्धांश की बात करते हैं, वो प्रथम अर्धांश ए टू एम, द्वितीय एन टू जेड। अब आपको क्वेश्चन कर देगा, क्वेश्चन कैसा बनाएगा थोड़ा सुनिएगा। जैसे आपसे कह दे क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, क्या कह दे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, अब अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब पूरे अक्षरों को 26 को बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, किस क्रम में बाबू, सीधे क्रम में, और सीधा क्रम क्या कह बोल रहा है, जहां से हम स्टार्ट शुरू करते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट से, और कोई भी पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है ए टू जेड, तो ए से स्टार्टिंग हुआ कि नहीं, और जब कह दे जब किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन करेगा दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाने, ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो लेफ्ट और राइट का भी आपका निर्धारण हो गया है। तो आपको आइए अगर कह दे सीधे क्रम, तो क्वेश्चन सीधा क्रम का क्या होता है जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सीधा क्रम का पहला होगा, जैसे आपको कहेंगे सीधा क्रम, क्या कहेंगे सीधा क्रम, और सीधा क्रम कहेंगे, सीधा क्रम को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूजुअल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर मतलब सीधा क्रम हुआ, और सीधा क्रम में आप कहां से कहां तक पढ़ते हैं ए टू जेड। ये जो आपके सामने लिखा गया है ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है भैया, क्या है सीधा क्रम। यहां से क्वेश्चन बनता है और आपसे कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने, दसवें अक्षर के बाएं, तीसरे अक्षर, ऐसे बना देगा, तो ये कहां देखो क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि कौन सा क्रम, सीधा क्रम। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, रिवर्स ऑर्डर, क्या है रिवर्स ऑर्डर, जिसको कहते हैं उल्टा क्रम। दूसरा बनता है उल्टा क्रम। अच्छा, उल्टा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उल्टा को क्या कहते हैं, रिवर्स। आप लोग गाड़ी चला रहे होंगे, फोर व्हीलर जो जो लोग चलाते हैं उनको देखते होंगे कि गाड़ी का जो गियर होता है उसमें आर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आर लिखा होता है कि नहीं, और जैसे ही आर पे आप कर देते हैं तुरंत गाड़ी पीछे भागना शुरू कर जाती है कि नहीं भाग जाती है, यानी आर पे जैसे ही गियर डाले कि गाड़ी पीछे भागी, यानी आर फॉर रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, गाड़ी उल्टे चलने शुरू हो जाती है, यानी आर फॉर रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा। और उल्टा क्रम पे क्वेश्चन क्या बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को पलट देता है, क्या कर देता है, पलट देता है। लेकिन पलटने के पे एक पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पलटता तो है लेकिन किसी भी का लेफ्ट और राइट का चेंजिंग नहीं होता, कभी भी दाएं और बाएं के बदलाव नहीं हो सकता, दाएं और बाएं जो हमारा फिक्स होता है। जैसे हमने निर्धारण में बताया था कि आप किसी का लेफ्ट राइट निर्धारण करो तो क्या करो, अपनी तरह मान लो कि आपके सामने वो खड़ा है, जिस तरफ आप देख रहे हो उस तरफ वो भी देख रहा है, आपका जो लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा उसका राइट होगा, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज क्या है, यहां पलटेगा तो, लेकिन लेफ्ट और राइट कभी पलटता नहीं है। जैसे आप ही क्या करते हैं, चलना रोड पे शुरू करते हैं, कह दिया जाए कि अपने बाएं से चलो, किससे चलो, अपने बाएं से, अरे भाई बाएं से चलेंगे ही, क्या रोड का बाया है, हम अपने अनुसार लेफ्ट राइट का निर्धारण करते हैं ना। तो चलिए ये हुआ उल्टा क्रम, उल्टा क्रम में क्या करते हैं जेड टू ए हो गया। और आगे चलते हैं, तीसरा क्या करते हैं, अब अर्धांश की बात करते हैं, किसकी, अर्धांश की। अर्धांश अभी दो थे, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, अब इसमें पूछेगा प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम, क्या कहेगा, प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम। तो प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम, अंग्रेजी लिखने वाले लिख ले, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, जिसको कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। और फर्स्ट हाफ मतलब, फर्स्ट मतलब पहला, हाफ मतलब आधा, रिवर्स मतलब उल्टा, ऑर्डर मतलब क्रम,
यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम। अब हम पहला अर्धांश अभी क्या बताए थे, खेसारी याद है कि नहीं, खेसारी काजल राघवानी याद आई, जैसे वो आई तो यानी एक से लेकर 13 नंबर तक कमरा पाई थी यानी ए टू एम, और ए टू एम को अब सिर्फ पलटेगा तो क्या कर देगा, यहां यहां लिखेगा एम टू ए प्लस एन टू जेड, यानी क्या करेगा एम टू ए को पलट देगा और एन टू जेड जाएगा कि नहीं, इतना बना। अब अगला टाइप क्वेश्चन क्या बनाता है बाबू, बना देता है एक अर्धांश और बचा है उसी को कहते हैं द्वितीय, संस्कृत में आप द्वितीय वचन पढ़ते होंगे, प्रथमा एक वचन द्वि वचन ये पढ़ते हो ना, द्वितीय द्वितीय मतलब दूसरा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसे पढ़ते थे कि नहीं, उसी द्वितीया द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम, और इसको भैया कहेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। और सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, पहला अर्धांश सीधे लिखा जाता है, इसको लिखेंगे ए टू एम लिखते ही हैं प्लस यहां पलट देते हैं जेड टू एन, ए टू एम प्लस जेड टू, इसी को कहते हैं द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम। एक क्वेश्चन और बनता है, दोनों अर्धांश उल्टा क्रम, कौन भैया, दोनों अर्धांश उल्टा क्रम, इसको कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, बोथ मतलब दोनों, हाफ मतलब आधा, रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, ऑर्डर मतलब क्रम, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। इसमें क्या होता है, दोनों अर्धांश को पलट देते हैं, इसको लिखते हैं एम टू ए प्लस जेड टू एन। ये चार टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, प्लस विविध वाला जो बनता है आपका उसमें मिक्स होता है, उसको हम अलग से कराएंगे। तो दोस्तों आज हम इसके अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आपको चर्चा कराएं, इसके जानकारी दिए, अब इसे हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, इतने टाइप के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, और इसको अगले वीडियो में हम आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन कराना आपको शुरू करेंगे।